can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ समृद्धि महामार्ग पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदुस्तान की ऐसी गाड़ी जो हर राइडर की एक ड्रीम होती है और हर दबंग इंसान की शान होती है, वो है रॉयल एनफील्ड की बुलेट, जो सब लोग बुलेट के नाम से जानते हैं पर वो होती तो ये क्लासिक 350 ही। तो आज बात करेंगे क्लासिक 350 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की। क्लासिक 350 में आपको 3 मॉडल्स मिलते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड, दूसरा सिंगल चैनल ABS और तीसरा होता है डुअल चैनल ABS। तो जो आप देख पा रहे होंगे ये जो मॉडल है ये सिंगल चैनल ABS वाला है, जो पड़ता है ऑन रोड 2,43,000। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट में, हेडलाइट के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको मिलता है हैलोजन सेटअप, येलो हैलोजन सेटअप, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है। उसके बाद ये DRLs है दोनों साइड में और इंडिकेटर में आपको हैलोजन का सेटअप मिलता है दोनों साइड। फ्रंट बम्पर की बात करेंगे, ये मेटल में दिया हुआ है। फ्रंट शॉकर ओल्ड स्टाइल में ही आपको देखने को मिलेंगे, दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। और सामने फ्रंट डिस्क ब्रेक है 220mm, बाइब्री कंपनी का डिस्क ब्रेक मिलेगा और दोनों ही व्हील्स आप देख पा रहे होंगे स्पोक में मिलते हैं। आप कंपनी से ही अलॉय व्हील्स ले सकते हैं जो कि एक्सेसरीज में पड़ता है। और कंपनी के एक्सेसरीज में क्या क्या मिलता है ये गाड़ी में लगा हुआ है वो भी अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे साइड मिरर्स की, ये क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिलता है जो कि क्लासिक लुक बाइक को दे देता है। और ये गाड़ी का कलर है चेरी रेड। पुराने वाले रॉयल एनफील्ड में आपको केवल किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता था और इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में जो कि फेस लिफ्टेड है इसमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है और जहां से किक स्टार्ट हटा दिया है। इस गाड़ी में एक्सेसरीज के तौर पर साइलेंसर और क्रैश गार्ड बिठाया हुआ है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 9,000 to 10,000 के बीच में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको मिलता है 349cc का BS6 कंप्लाइंट इंजन, उस जिसमें आपको मिलता है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स जो प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP इतना पावर और 27 Nm इतना टॉर्क। और इसके गियर शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे तो 1 down and 4 up ऐसा सेटअप इसमें मिलता है। 349cc इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। उसके बाद बात आती है सबसे ट्रेंडिंग या फिर डिमांडिंग क्वेश्चन के बारे में ये गाड़ी के, कि ये देती कितनी है। तो ये गाड़ी आपको देती है 35 to 40 km/h का माइलेज, जो कि मुझे नहीं लगता ये गाड़ी यूज़ करने वाला हर बंदा माइलेज के बारे में सोचता होगा, लेकिन फिर भी 35 to 40 km/h इतना आपको माइलेज मिलता है। इसमें आपको मिलता है स्प्लिट सीट का सेटअप जो कि राइडर के लिए मुझे बहुत ही परफेक्ट लगता है, लेकिन जब आप बात करेंगे पिलियन के बारे में तो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। उसके बाद रियर में बात करेंगे तो रियर बम्पर आपको मेटल में ही देखने को मिलता है और रियर लाइट ओल्ड स्टाइल में देखने को मिलता है जिसमें इंडिकेटर और रियर ब्रेक लाइट हैलोजन सेटअप में मिलता है। थोड़ा सा फेसलिफ्ट होने के कारण इसमें रियर लुक थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे रियर ब्रेक, जो आपको ड्रम ब्रेक सेटअप दिया हुआ है और ये जो साइलेंसर आप देख पा रहे होंगे बैरल साइलेंसर, ये एक्सेसरीज के तौर पे बिठाया हुआ है। कंपनी से जो स्टैंडर्ड साइलेंसर मिलता है उसका इतना बेसी आवाज़ नहीं होता है। कुछ इस तरह चाबी आती है क्लासिक 350 की। उसके बाद बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पीडोमीटर जो कि 160 km/h टॉप स्पीड बताता है, उसके नीचे ही माइल्स पर आवर का भी गेज आप ये देखने को मिलता है।
यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बैजिंग और इग्निशन स्विच यहाँ पे मिलता है। और इग्निशन स्विच में ये फेस लिफ्टेड मॉडल में आपको इंटीग्रेटेड लॉक का भी अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो कि पहले रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में यहाँ पर आता था। उसके बाद ये डिजिटल मीटर में आपको पहली बार रॉयल एनफील्ड ने फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है। उसके नीचे ओडोमीटर डिजिटल में मिलता है आपको, देख पा रहे होंगे मेटल फिनिश में दिया हुआ है लीवर। उसके बाद बात करेंगे इंजन स्टार्ट स्विच की, जिसमें इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट स्विच सेम एक ही स्विच में दिया हुआ है। उसके नीचे मिलता है आपको हजार्ड लाइट का बटन। और इस तरफ देख पा रहे होंगे जैसा कि इंजन इग्निशन का स्विच मिलता है, सेम सेटअप हाई बीम और लो बीम, और उसी के अंदर इंटीग्रेटर पास का स्विच दिया हुआ है। नीचे आपको देखने को मिलता है इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच, हॉर्न अभी सुनाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह दिखते हैं इसके दो DRLs और हजार्ड लाइट चालू करने के बाद इंडिकेटर्स। उसके बाद बात करेंगे टायर साइज के बारे में, इसमें आपको मिलता है 100, 90 और 19 इंच का फ्रंट व्हील। और उसके रियर व्हील के बारे में बात करेंगे तो रियर में आपको मिलता है 120, 80 और 18 इंच का व्हील। अब इसके एग्जॉस्ट नोट के आवाज़ सुनते हैं।